दिल्ली के पूर्वी जिले के मयूर विहार इलाके से एक झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 30 साल की महिला को उसी के परिजनों ने छत से फेंक दिया। गंभीर रूप से घायल महिला को मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आरोप है कि देवर और ननद ने महिला को धक्का देकर छत से गिराया है। इस मामले को दिल्ली महिला आयोग ने संज्ञान में लिया और पुलिस को इस मामले में नोटिस देकर कार्रवाई करने की बात कही। जानकारी के मुताबिक पीड़ित रचना की शादी 3 साल पहले मयूर विहार थाना इलाके के त्रिलोकपुरी में रहने वाले पुनीत ऊंटवाल से हुई थी। मायके पक्ष ने महिला आयोग को शिकायत दी है कि शुक्रवार की शाम बेटी के ससुराल वालों ने सूचना दी थी कि रचना सीढ़ी से गिर गई है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोप है कि जब वह बेटी के ससुराल पहुंचे तो पड़ोसियों ने बताया कि देवर और ननद ने उसे छत से धक्का देकर नीचे गिराया है। इसके साथ ही रचना ने भी उन्हें बताया कि उसके ससुराल वाले उसे प्रताड़ित कर रहे थे। विवाद के चलते देवर और ननद ने उसे छत से धक्का देकर गिरा दिया। इस दौरान मामले में पूर्वी दिल्ली की डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि इस पूरे मामले में पीड़ित के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।